गोहाना के गांव मुंडलाना में तीन जिलों की हिसार, सोनीपत, रोहतक की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गर्भपात और भ्रूण जांच करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया। टीम ने जागसी गांव निवासी सेंटर संचालक, उसके साथ ही महिला के पति को हिरासत में लिया है। गोहाना के गांव मुडलाना में तीन जिलों की हिसार, सोनीपत, रोहतक की स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने गर्भपात और भ्रूण जांच करने वाली गैंग का भंडाफोड़ किया है। गांव मुडलाना में एक झोला छाप डॉक्टर जो क्लिनिक और मेडिकल स्टोर संचालित कर रहा था, टीम ने जागसी गांव निवासी सेंटर संचालक, उसके एक साथी और महिला के पति को गिरफ्तार किया है, जबकि दलाल अभी भी फरार बताया जा रहा है। आरोपी ने डॉक्टर्स की एक टीम पर बाइक चढ़ाने की भी कोशिश की। इससे पहले भी आरोपी इस तरह के एक मामले में जेल जा चुका है और जमानत पर आकर मुडलाना गांव में अपनी दुकान चला रहा था। बता दें कि तीन महीने पहले यहां जांच कराने आई एक महिला की जानकारी से ये नेटवर्क पकड़ा गया है। जुलाई में 20-25 तारीख के आसपास रोहतक की एक महिला जो लगभग 4 माह की गर्भवती थी का इस व्यक्ति जिसका नाम संदीप है और जिसका ये क्लिनिक है, इन्होंने अल्ट्रासाउंड करके लिंग जांच किया है और उसकी जानकारी हमें परसों मिली इशार की टीम को, क्योंकि जो महिला है वो घरवालों से प्रताड़ित हुई, उसके गर्भ में इन्होंने लड़की बताई और ससुराल वालों ने जो है उसके साथ थोड़ी ज्यादती करी तो वो अपने पीर चली गई और पीर से जब घरवालों को उन्होंने दिखाया तो उसके साथ मारपिटाई की हुई थी, तो उन्होंने इसकी MLC कटवाई और सिविल हॉस्पिटल इशार के अंदर इसको दाखिल करवा दिया। दरअसल रोहतक की गर्भवती एक विवाहिता का जुलाई माह में संदीप नामक झोला छाप डॉक्टर ने गांव मुडलाना में लिंग की जांच की थी। लिंग की जांच में आरोपी ने गर्भ में लड़की होने की पुष्टि भी की थी। सास और पति ने गर्भ में लड़की का पता चलने के बाद उसके गर्भपात के लिए दबाव बनाया, लेकिन महिला ने अपना गर्भपात करवाने से मना कर दिया। उसके बाद महिला को उसके सास और पति के द्वारा तंग किया जाने लगा। महिला के साथ हुई मारपीट से आहत वो अपने मायके चली गई। मायके वालों ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसकी सूचना हिसार की हेल्थ विभाग टीम को मिली तो टीम महिला से मिलने पहुंची। टीम ने उसकी काउंसलिंग करवाई। पीड़ित महिला की निशानदेही पर टीम ने पुलिस के साथ रेड की। टीम मौके पर आरोपी संदीप की क्लिनिक पर पहुंची, लेकिन आरोपी वहां पर नहीं मिला। वहां गर्भपात के सामान और गर्भपात के लिए यूज हुई किट भी बरामद की गई। टीम ने मौके से आरोपी संदीप के साथी को दबोच लिया है, जो उस दौरान क्लिनिक पर मौजूद था। हमने 4 लोगों को यहाँ से पकड़ा है। एक तो संदीप जिसका ये क्लिनिक है, जो दवाइयों की दुकान चलाता है, जो कि 12वीं पास है, ना कोई डिग्री है उसके पास, और एक उसके साथ AITI का लड़का था जो कि उसके पास बैठता है। एक जो महिला थी जिसका अल्ट्रासाउंड हुआ उसकी उसके दरवाजे को, और एक देव जांगड़ा नाम का लड़का है जो कि दलाली का काम करता है इसी धंधे में, ब्रुनलिंग जांच में, वो भी उसका नाम भी सामने आया, उसको भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। मौके से हमें MTP किट मिली हैं, 2 किट मिली हैं जो कि यूज्ड हैं, किसी के को गर्भपात के लिए यूज करवाई गई है और उसको उस MTP के लिए गर्भपात के लिए यूज होने वाले औजार भी मिले हैं। हिसार हेल्थ विभाग टीम के डॉक्टर ने बताया कि आरोपी संदीप के पास ना कोई डिग्री मिली और ना ही दवाई स्टोर चलाने का लाइसेंस मिला। टीम ने आरोपी संदीप, जो कि गांव जागसी का रहने वाला है, उसके गांव से उसे दबोच लिया है और महिला के पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले को लेकर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। वही मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट।